हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके AIB एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। आज इस वीडियो के अंदर थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और हम फास्टली इन सभी क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टॉक अबाउट द इनकंसिस्टेंसी विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट एंड हाईली प्रोबेबल एंड और इम्प्रोबेबल। यानी कि जब हम बात करते हैं, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि ये किस सेक्शन से संबंधित है। सपोज दैट आप जो है एक जगह पर हैं, सपोज दैट आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आपके आस पड़ोस में जो है कोई ऑफेंस हो जाता है और किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। ऐसे में आरोप क्या लगाया जाता है कि आपके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है क्योंकि आपको उसके साथ देखा गया था एक दिन पहले। अब यहाँ पर आप जब केस की प्रोसीडिंग चलती है तो आप यहाँ पर कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो कोर्ट के अंदर आप यह साक्ष्य देते हैं कि जिस दिन ये ऑफेंस हुआ था उस दिन तो मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। तो आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये पता चल रहा होगा कि कौन सी सेक्शन है हमारी जो बात करती है इस स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट एंड हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। यानी कि जब भी हम बात करते हैं प्ली ऑफ एलिबी की, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा सेक्शन है और प्ली ऑफ एलिबी और ये जो स्टेटमेंट है वो हमने कहाँ से ली है। ये हमने ली है इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो सेक्शन नंबर कौन सा है जो बात करता है इस स्टेटमेंट से? सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13। तो बात करें सेक्शन नंबर 11 की, सेक्शन नंबर 11 जो बात करता है प्ली ऑफ एलिबी के बारे में, उसी से ये स्टेटमेंट हमने लिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये एक इल्यूस्ट्रेशन है और इस इल्यूस्ट्रेशन से आपको यह पता लगाना है कि ये इल्यूस्ट्रेशन कहाँ से लिया गया है, किस सेक्शन से लिया गया है। पहले इसको पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड मर्डर एट ए कोलकाता ऑन ए सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन द डे ए वाज एट ए लाहौर इज रिलीवेंट। यानी कि ए पर अपराध का चार्ज लगा हुआ है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है कोलकाता में, लेकिन फैक्ट यह भी कह रहे हैं कि ए जो था वो लाहौर में था और ये रिलीवेंट है। तो ये जो हमने स्टेटमेंट ली है, ये जो इल्यूस्ट्रेशन हमने ली है, ये किस सेक्शन से ली है? तो इल्यूस्ट्रेशन से ही आपको जो है पता चल रहा है कि ये कहाँ से ली गई है। ये हमने ली है सेक्शन नंबर 11 से जो बात करता है प्ली ऑफ एलिबी के बारे में। इसके अलावा इसमें सब सेक्शन भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्ली ऑफ एलिबी को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ये तो आपको पता है कि प्ली ऑफ एलिबी को सेक्शन नंबर 11 में डिफाइन किया है, लेकिन इसमें सब सेक्शन भी हैं और वो सब सेक्शन कौन सा सब सेक्शन है जो केवल प्ली ऑफ एलिबी की बात करता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो जब हम प्ली ऑफ एलिबी की बात करते हैं तो सब सेक्शन 1 के अंदर जो है प्ली ऑफ एलिबी की बात की गई है। सब सेक्शन 2 जो है डिफरेंट चीज है, लेकिन वो भी इसी से रिलेटेड है, उसको भी अब हम आगे समझेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सभी में से कौन सा केस है जो बात करता है सेक्शन 11 से रिलेटेड? हमें पता चल गया सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी के बारे में बात करता है। सेक्शन 11 हमें ये कहता है कि जिस दिन आपका ऑफेंस हुआ था, जिस दिन आप के ऊपर ये आरोप है कि आपने अपराध किया था, उस दिन आप वहां थे ही नहीं, वहां कहीं और थे। या एक और एग्जाम्पल है जिसे हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये कह रहा है कि सेक्शन 11 के अनुसार कौन कौन से केस है जो संबंधित है सेक्शन 11 से। पहला केस क्या है? पहला केस हमारा दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव का। बात करें तीसरे केस की, तीसरा कौन सा केस है? जयंती भाई
स्टेट ऑफ गुजरात का। तो ये जो तीनों केस है, ये तीनों केस हमारे रिलेटेड हैं किससे, सेक्शन नंबर 11 से। सेक्शन नंबर 11 कौन से एक्ट का है, इंडियन एविडेंस एक्ट का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, फिर आपको पता लगाना है कि इसका सही जवाब क्या है। इफ एनी पर्सन प्रूव हिज प्ली ऑफ एलिबी, देन व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर ए प्रूव ऑफ एलिबी। यानी कि आपने अपने केस के अंदर आपने प्ली ऑफ एलिबी ली, आपने ये कहा कि जिस दिन ऑफेंस हुआ था मैं वहां पर प्रेजेंट ही नहीं था, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या इसका परिणाम निकलेगा। अब आपके फेवर में प्ली ऑफ एलिबी तो आ गई, तो इसका रिजल्ट भी तो कुछ होगा। क्या आपको एक्विटल कर दिया जाएगा, क्या आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको ये कहा जाएगा कि आपकी प्ली तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप फिर से एविडेंस दीजिए, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। प्ली ऑफ एलिबी अगर आपकी स्टेब्लिश हो गई है, मतलब कि केस आपके फेवर में है, अब यहाँ पर आपको जो है एक्विटल किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है इसी से रिलेटेड है, लेकिन स्टेटमेंट हमने यहाँ पर बदल दिया ताकि आप चीजों को समझ सके। क्या कह रहा है, इफ एनी पर्सन इज नॉट प्रूव इज प्ली ऑफ एलिबी, देन व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर नॉट प्रूविंग इज प्ली ऑफ एलिबी। यानी कि आपकी आपने प्ली ऑफ एलिबी फाइल की कोर्ट के अंदर, और आपकी प्ली ऑफ एलिबी जो है रिजेक्ट कर दी गई, तो क्या आपको यहाँ पर एक्विटल किया जाएगा, कन्विक्ट किया जाएगा, या आप तो कोई दूसरा एविडेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्विटल तो किया ही नहीं जाएगा और ना ही आपको कन्विक्ट किया जाएगा, अगर आपकी प्ली ऑफ एलिबी जो है आपके फेवर में नहीं हुई है। अब यहाँ पर आपसे ये कहा जा सकता है कि आप क्या कीजिए, कोई अदर एविडेंस आप हमें दीजिए जो आप अपने केस को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ताकि केस आपके फेवर में रहे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगली जो स्टेटमेंट है, ये जो इल्यूस्ट्रेशन है, ये क्या कह रही है, ये हमें बात बता रही है हमारे 11 के सब क्लोज 2 के बारे में, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये प्ली ऑफ एलिबी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये कुछ अलग बात कर रहा है, लेकिन तब भी वो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलीवेंट होगा। क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं, इफ ए पर्सन इज अलेज दैट बी मर्डर सी ऑन 6 अगस्त 2019 एट दिल्ली, बट द फैक्ट रिवील्ड बाई बी दैट पर्सन सी इज अलाइव एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द 10 अगस्त 1919। सिंपली क्या कह रहा है कि 6 अगस्त 2019 को एक व्यक्ति जो है मर गया है, यह आरोप लगाया गया है, लेकिन फैक्ट ये रिवील कर रहे हैं कि 6 के बाद 10 तारीख तक उस एक्यूज को देखा गया है। तो ऐसे में ये क्या है, यहाँ पर ये केस जो है किसी भी तरीके से यहाँ पर एक्यूज को कन्विक्ट नहीं करेगा, और इस तरीके के एग्जाम्पल जो है वो आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 11 के अंदर और सेक्शन नंबर 11 के सब सेक्शन 2 के अंदर। तो इसका फर्स्ट जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। इफ इन एनी केस टू एक्यूज्ड हैव एलिज्ड टू एक्यूज हैव एलिगेशन ऑफ ए मर्डर ऑफ सी, वन एक्यूज प्रूव हिज प्ली ऑफ एलिबी, देन वट वेदर एनदर प्ली ऑफ एलिबी इज ऑटोमेटिकली प्रूव और नॉट। सिंपली ये कह रहा है कि एक अपराध हुआ है, एक अपराध के अंदर जो है यहाँ पर एक्यूज एक से जाता है, सपोज फिर दो है या तीन है, कितने भी आप मान सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट दो एक्यूज हैं और एक ने अपनी प्ली ऑफ एलिबी लगाई ताकि वो अपने केस से एक्विटल हो सके। अब यहाँ पर जब उसने प्ली ऑफ एलिबी लगाई तो वो उसके फेवर में हो गई, क्या अब इस बेसिस पर दूसरे जो अक्यूज है वो भी प्ली ऑफ एलिबी उसकी भी ऑटोमेटिकली मानी जाएगी कि उसने तो प्ली ऑफ एलिबी प्रूफ कर दी है, अब मैं भी इस केस में एक्विटल हूँ, ऐसा नहीं है। तो दोनों को सेपरेटली जो है अपनी प्ली ऑफ एलिबी को साबित करना होगा कि हाँ आपने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है, या जिस समय पर आपने ऑफेंस हुआ था उस समय पर आप वहां पर अवेलेबल ही नहीं थे। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो आपको इस पॉइंट को समझाने में काफी हेल्प करेगा, अब अगर सेक्शन 11 से आप पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप जरूर कर पाएंगे। इस स्टेटमेंट को और समझ लेते हैं, ए वाज किल्ड बाय बी हु शूट हिम विद ए गन, फोर विटनेस सेज दैट द गन वाज शूट फ्रॉम 25 फीट, या सपोज दैट 5 मीटर तो कम हो जाएगा, यानी कि 10 फीट पर कोई व्यक्ति खड़ा है या 20 फीट पर कोई व्यक्ति खड़ा है।
बट मेडिकल एविडेंस शो दैट द बर्न मार्क नियर द वुंड विच कैन बी कोज वेन गन वाज शूट मे मोर क्लोजली. दिस एग्जाम्पल कम विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आपको पता लगाना है. बात क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि खड़ा है. सपोज दैट, मैं इसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ. एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, चार जो है विटनेसेस हैं, चार जो है विटनेसेस हैं. अब इन चार विटनेसेस ने यह गवाही दी है कि ए व्यक्ति ने बी को मारा है, यानी कि इसको किल्ड किया है ए व्यक्ति के द्वारा. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है जब बी को मारा गया तो इतनी दूरी पे थे ये जो खड़ा था ए व्यक्ति, यहाँ खड़ा था और यहाँ से इसने इसको शूट किया. अब जब मेडिकल एविडेंस यहाँ पर कोर्ट में सबमिट किए गए तो वो यह बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ से शूट किया गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये गोली लगी है इसको, जो ये इसको घाव हुआ है, ये बहुत ही नज़दीकी से लगा है, इसलिए इसकी जो त्वचा है, इसकी जो स्किन है, वो काफ़ी ज़्यादा जल गई है जहाँ पर घाव है. तो ये एविडेंस यहाँ पर मान्य होगा. और ये एविडेंस किस सेक्शन में माना जाएगा, तो सब सेक्शन 2 के अंदर, 11 सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 के अंदर रिलीवेंट होगा. तब आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं सब सेक्शन 1 जो बात करती है प्ली ऑफ एलिवी के बारे में, लेकिन सब सेक्शन 2 अलग तरीके की सिचुएशन की बात करती है. इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पर सेक्शन 11 के अंदर रिलीवेंट होती है. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन. आपको केवल AIV 18 के लिए सीमित नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जुडिशरी के लिए, APO के लिए, आप JLO की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं. AIV का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए डेली रिपीटली आपके लिए जो है नए नए क्वेश्चन लेके आता रहूँ. कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम रिपीट करते रहेंगे, ताकि आप जो कोई भी एग्ज़ाम दे, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, लॉ से रिलेटेड किसी भी अलग अलग पोस्ट का हो, उसमें आप सक्सेसफुली पास हो सकें. तो बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि CPC कब ऑपरेट में आया था, तो ये ऑपरेट में आया था 1 जनवरी 1909 को. तो इसका 4 जो है बिल्कुल सही जवाब है. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है कि CPC कहाँ पर अप्लीकेबल होता है. ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल होता है ये हमें पता है, लेकिन के सिवाय कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता. तो इसका जो सेकंड है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड टेरिटोरियल एरिया, यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता. जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद, उसके बाद वहां पर ही अप्लीकेबल हो गया था. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है कि डिग्री, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है. डिग्री को कहां पर डिफाइन किया गया है CPC के अंदर, तो 2 सब सेक्शन 2 के अंदर डिग्री को डिफाइन किया गया है. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, डिग्री के बाद हम चलते हैं जजमेंट पर. जजमेंट कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो जजमेंट को सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन किया गया. अब चलते हैं जजमेंट हो गया, अब चलते हैं ऑर्डर के ऊपर. इसको हम सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे, ताकि आपको ये टर्म जो है इम्पोर्टेंट है और इनकी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पता रहे. ऑर्डर कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 के अंदर. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट से आपको यह पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ की स्टेटमेंट है. क्या डिग्री की स्टेटमेंट है, ऑर्डर की स्टेटमेंट है, जजमेंट की स्टेटमेंट है, अपील एंड ऑर्डर की बात कर रहा है. तो बात करते हैं इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए. हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए नीचे हिंदी में ट्रांसलेशन है. किसी भी तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट को, स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए. फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्डिंग द कोर्ट एक्सप्रेस इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट ऑफ द पार्टी. जब हम बात करते हैं डिग्री की, वैसे इसका जो सही जवाब है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. जब आप डिग्री की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर इस टर्म को याद रखना है, डिटरमिनेशन ऑफ राइट ऑफ द पार्टी, यहाँ पर डिग्री की बात की गई है. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, डिग्री का क्या मतलब होता है.
डिग्री का क्या मतलब होता है इन सभी ऑप्शंस में से? तो डिग्री का मतलब एन ऑर्डर एडजुडिकेट क्लेम, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाई एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। तो ये आपको डेफिनेशन क्लोज के अंदर देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं डिग्री के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, दीज मस्ट बी एन एडजुडिकेटेड। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि द डिटरमिनेशन मस्ट बी ए कंक्लूसिव नेचर। थर्ड पॉइंट कह रहा है द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन ए शूट। तो ये सभी चीजें जो है हमारे डिग्री के एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करती हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डिग्री के संबंध में कि डिग्री क्या प्रिलिमिनरी है, फाइनल है, फर्स्ट प्रिलिमिनरी है, देन फाइनल है, या फोर्थ, या तो प्रिलिमिनरी होगी या फाइनल होगी। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रिलिमिनरी जो डिग्री है वो पास की जा सकती है किसी भी शूट के अंदर किस पर्पज के लिए, पार्टीशन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पोजेशन के लिए, मेन से प्रॉफिट के लिए। तो इन सभी के लिए जो है प्रिलिमिनरी डिग्री जो है पास की जा सकती है किसी भी शूट के अंदर। तो इसका फोर जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं कि डिग्री के अंदर कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो अब आपको पता चलना है कि डिग्री एक ऐसी टर्म है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप AIB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, APO की तैयारी कर रहे हैं, JLO की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और MCQ की प्रैक्टिस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली आप हमारे साथ जुड़िए और MCQ की प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे साथ केवल आप वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, वही पर्याप्त है आप सभी के लिए। तो बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिग्री अंडर द CPC। किस कौन सी जो है डिग्री नहीं है। रिजेक्शन ऑफ प्लांट को शामिल किया गया है डिग्री के अंदर, लेकिन कोई भी डिसमिसल किसी ऑर्डर का फॉर द डिफॉल्ट उसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है, चार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इन सभी स्टेटमेंट से ये पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट इन सभी में से सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हाई कोर्ट शुड नॉट पास एंट्री ऑर्डर विच इज लाइकली टू हैम्पर्ड इन्वेस्टिगेशन। बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में, ए मजिस्ट्रेट एंड कैन अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 156(3) CRPC सेंड ए कंप्लेंट ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द पुलिस। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी इम्पेयर्ड बाय द टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस द क्वेश्चन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन डज नॉट अराइज। तो आपको यहाँ पर ये सुन के क्या पता लग रहा है कि कौन सा इसका गलत जवाब है। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद रीड कीजिए, क्या कहीं पर कुछ ऐसा अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पर जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं, 156(3) की बात करते हैं, तो वहां पर कॉग्निजेबल केसेस के अंदर इस तरीके की कंप्लेंट फाइल की जाती है, ये यहाँ पर डिफरेंट है। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इसको भी हम समझते हैं पहले ये क्या स्टेटमेंट लिखी है और किस तरीके की बात की गई है इस क्वेश्चन में, उसको समझते हैं। एन अक्यूज्ड कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इफ एंड व्हेन ही इज अलेज्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस। क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्ली बार्गेनिंग के बारे में कहाँ पर बताया गया है। इससे रिलेटेड भी मैं आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है, किसी से जब आप क्या करते हो, मोल भाव करते हो। तो इसी तरीके से जब हम ऑफेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्यूज को एक कुछ राइट दिया हुआ है कि वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से गुजारिश कर सकता है कि उसकी जो है सजा है उसमें थोड़ा सा घटाव बढ़ाव किया, घटाव किया जा सके। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्यूज के द्वारा यहाँ पर फाइल की जा सकती है। किस केसेस में, जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं वहां पर तो नहीं होंगी। आप समझते हैं कौन कौन से गंभीर प्रवृत्ति के हैं, तो मर्डर
और किसी ने किया है तो वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या वो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। थेफ्ट की देख लेते हैं, उसके बाद है वुमेन और बच्चों के अगेंस्ट हुआ है तब भी ऐसा नहीं किया जाएगा। तो यही हमारा ऐसा ऑफेंस है जो बात करता है, जो अलाउ करता है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को। तो थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं किस सेक्शन में प्ली बार्गेनिंग के बारे में बात की गई है, कौन सा सेक्शन है जो स्टार्ट करता है 265A से लेकर ABCDEFGH इस तरीके से जो है प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। व्हेन एट द स्टेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ऑफ द सेशन कोर्ट फील दैट केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राई बाय इट, यानी कि सपोज दैट इसमें आपको क्या समझना है कि केस जो है सेशन कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो है ज्यूरिसडिक्शन के पर्पस के लिए यहाँ पर इसके सेशन कोर्ट के समक्ष ट्राइबल नहीं होगा, तो ऐसे में उसे ट्रांसफर किया जा सकता है किसको, और क्या स्टेप लिए जाएंगे, क्या चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रांसफर किया जाएगा या पहले ही किया जाएगा, किसको भेजा जाएगा, चीफ जुडिशियल को भेजा जाएगा, सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, लोक अदालत को भेजा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेंड द केस टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। बात करें सेकेंड ऑप्शन के बारे में, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड ट्रांसफर द केस टू द CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास JMFC। बात करें थर्ड ऑप्शन के बारे में, फ्रेम द चार्ज एंड ट्रांसफर द केस टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द सेंड टू द केस टू द लोक अदालत। जब हम बात करते हैं सेशन कोर्ट के समक्ष जब वो केस चलता है और वो केस वहां पर ट्राइबल नहीं है, तो ऐसे में पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है उस पर क्या करेगी, चार्ज को फ्रेम कर देगी, उसके बाद उसे ट्रांसफर कर देगी CGM को या फिर फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी इसी तरीके से एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष अगर कोई केस आया है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन हमें कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो इसको मैं यहीं पर स्किप कर रहा हूँ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताना है कि कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड कहाँ पर कौन कौन से सेक्शन दिए गए हैं। तो इसका वैसे तो सही जवाब सेकेंड है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, क्या क्या पता इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैंने इसको ऐसे स्किप कर दिया। फिर भी आप इसको एक बारी चेक कर लीजिएगा, शायद कोर्ट ऑफ सेशन के रिगार्डिंग जो है 255 से ले 225 से लेकर 335 तक के प्रोविजन है। अगर सही है तो कमेंट में यह जरूर क्लियर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई मैंने ठीक किया था। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर टॉक अबाउट द ट्रायल ऑफ ए कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चल रहा है, तो ये कौन सा चैप्टर है जो बात करता है कि सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलाया जाएगा। तो सबसे डिफरेंट हमारा सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है चैप्टर नंबर 21 कैपिटल ए, यही चैप्टर बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और समय है, थोड़े से समय के अंदर वीडियो कंप्लीट कर दूंगा मैं और आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस जो है बना के रखिएगा। बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टर्म बेल सिग्निफाई द कंडीशन रिलीज ऑफ एन एक्यूज एंड अरेस्ट पर्सन बाय द किसके द्वारा, यानी कि जब भी कोई ऑफेंस घटित होता है तो ऐसे में अगर एक्यूज को अरेस्ट किया जाना है तो अरेस्ट यहाँ पर कौन कर सकता है, क्या पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, कोर्ट कर सकती है, कौन कर सकता है इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इन सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं तो हमें फोर्थ ऑप्शन मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्लियर है, जो हमें बताता है कि बेल के प्रोविजन में अगर आपके पास बेल का राइट है तो आप यहाँ पर बेल ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन से भी ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब से भी, कोर्ट में जाकर भी ले सकते हैं ट्रायल के दौरान। तो इसका फोर्थ जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आपने जब भी किसी एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है तो मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार किया जाता है जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहते हैं,
तो ऐसे में वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट रिक्वायर्ड है एंड साइन किया जाएगा बाय और अटेस्ट किया जाएगा बाय वन मेंबर ऑफ द, किसके द्वारा? तो या तो फैमिली मेंबर से होगा या फिर लोकेलिटी से होगा, और काउंटर साइन करवाए जाएंगे एक्यूज पर्सन के। तो फोर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्ट E1 एक्स पार्टी अंडर सेक्शन 114, इट इमीडिएटली प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन एनोइंस इंजरी टू एनी लॉफुल एम्प्लॉय, टू अवॉइड डेंजर द ह्यूमन लाइफ हेल्थ और सेफ्टी, टू अवॉइड और डिस्टर्बेंस टू पब्लिक पीस स्ट्रेंथ क्वालिटी राउट और एफरे। तो इन सभी के लिए ही यहाँ पर ये बात की गई है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्ट इवन एक्स पार्टी अंडर सेक्शन 144 ऑफ द CRPC। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या एसेंशियल एलिमेंट है ऑफेंस के लिए। हमने पढ़ा था किसी भी अपराध के लिए मेंस रिया, मेंस रिया एक्टस रियस का होना आवश्यक है, मोटिव। और यहाँ पर पहला ऑप्शन है मोटिव और एक्ट, सेकंड ऑप्शन है मोटिव और कन्विक्शन, थर्ड ऑप्शन है मोटिव और इंजरी, फोर्थ ऑप्शन है प्रिपरेशन और पनिशमेंट। तो कौन सा रिलेट कर रहा है? सबसे पहला ऑप्शन रिलेट कर रहा है, तो यही हमारा इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जब हम IPC की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सेक्शन अच्छे से आने चाहिए। कौन सा सेक्शन किस तरह के ऑफेंस के बारे में बात करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है IPC में जो है बन जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, फॉर द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन ऑफ ए पर्सन अबडक्टेड मस्ट बी, यानी कि जिसका अपहरण किया जा रहा है क्या वो माइनर होगा, मेजर होगा, माइनर होगा, मेजर होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो किसी को भी किया जा सकता है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, इसलिए इसका जो थर्ड है बिल्कुल सही जवाब है। अबडक्शन के बारे में कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कौन से प्रोविजन है? तो अबडक्शन के बारे में 362 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से गलत ना हो, तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी इज पनिशेबल, यानी कि अगर आपने रोबरी करने का प्रयास किया है तो कौन सी सेक्शन है, 393 इसके बारे में बात करती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में ली है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है और आने की भी संभावना रहती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स ऑफ द एज, यानी कि 7 साल के अंदर अगर किसी बच्चे ने अपराध किया तो वो अपराध अपराध नहीं होगा। इस सेक्शन में कहा गया है सेक्शन नंबर 82 जो कि जनरल एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। जनरल एक्सेप्शन कहाँ पर है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर जनरल एक्सेप्शन बताए गए हैं। जनरल एक्सेप्शन यहाँ पर आपको किस चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं, तो चैप्टर नंबर में मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 4 सेक्शंस की बात करें तो 76 से लेकर 106 के जो है वो बात करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में। 96 से 106 तक जो है प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है। बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम की, आपको ये पता लगाना है ये मैक्सिम किस सेक्शन से रिलेटेड है। लेटिन मैक्सिम है होल इन कैपे इन कैपेक्स, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि पूरी तरीके से वो समझने में असक्षम है। और यहाँ पर हमें अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 7 साल के अंडर अगर कोई बच्चा अपराध करता है तो वो अपराध अपराध नहीं होगा, तो उसी से रिलेटेड है ये हमारा जो क्वेश्चन है सेक्शन 82, इससे रिलेटेड है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिमिनल फोर्स को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट, ये बहुत सी ऐसी टर्म है जो आपको पूछ ली जाती है। तो क्रिमिनल फोर्स के बारे में आपको सेक्शन नंबर 355 350 के अंदर आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं फोर्स के बारे में, तो फोर्स टर्म को कहाँ पर डिफाइन किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, किया गया है सेक्शन नंबर 349 के अंदर। बात करते हैं अगले और इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो गाइस अब हम यहाँ पर और ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस को जो है डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन होने के बाद भी स्टूडेंट जो है
उबासी सी आने लग जाती है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, ये बात करता है कि असोल्ट कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 350 के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हमने काफी कम समय के अंदर बहुत से क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ये आपकी AIB 18 के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।